हाई एवरी वन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स. दिस इज़ अर्पिता, योर सोशल साइंस टीचर. सो हमने लास्ट सेशन में, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो चैप्टर स्टार्ट की थी, राइट? और हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है? तो आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो देखिए, वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन. अब एक इंडस्ट्री जो है उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं तो वो नहीं चलेगा, राइट? तो एक इंडस्ट्री का जो लोकेशन होता है, जो सेटअप लोकेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उसका जो डेवलपमेंट है, कंट्री का जो डेवलपमेंट है, कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसके लिए, ठीक है? देखिए, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा. अब जो लोकेशन है, लोकेशन उस हिसाब से एक कंट्री, एक जो इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है? रॉ मटेरियल्स अच्छा खासा मिल जाए और बहुत ज़्यादा दूर ना हो. मतलब जो लोकेशन है, जो इंडस्ट्री का लोकेशन है जहाँ पे सेटअप हुआ इंडस्ट्री, वहाँ से रॉ मटेरियल जहाँ से हम लोग लाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो. फिर है लेबर, जहाँ पे चीप लेबर हमें मिलती है, जहाँ मैन पावर जो है वो चीप मिलती है हमारे इंडस्ट्री के लिए. फिर क्या है? कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट, पावर एंड मार्केट, ठीक है? मार्केट जो है, जो इंडस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए, वो बीचों बीच होना चाहिए. और पावर जो है, क्या है? पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है, वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारा क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए. सो ये हो गया इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल, एक इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, लोकेशन का जो आइडियल लुक एक इंडस्ट्री होता है उसका प्रॉपर लोकेशन कैसा होना चाहिए, ये चार पॉइंट्स में सम अप किया गया है जो कि हम लोग समझेंगे. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट. एट साइट मतलब जहाँ पे क्या है? इंडस्ट्री है, मतलब जो जहाँ पे मेन इंडस्ट्री जो है उसको साइट बोला गया है. अब कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल है वो साइट तक कैसे और कहाँ, मतलब कितना पैसा लगेगा उस इंडस्ट्री में लाने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कॉटन लेते हैं, ठीक है? कॉटन हमने ले लिया और जो साइट है, ये जो इंडस्ट्री है वो सोचिए हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है. और जो हम लोग कॉटन लाते हैं वो सोचिए कहीं साउथ से, तेलंगाना या तमिलनाडु, उस जगह से हम लोग ले आए. तो अब क्या हो गया कि जो कॉस्ट है, हमारा जो कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, एकदम नॉर्थ और एकदम साउथ, ठीक है? तो अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कॉस्ट विल बी वेरी हाई. तो क्या होगा? ये नहीं चलेगा. तो फिर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगी. और ऊपर से कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगा ही, ऊपर से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, राइट? एकदम साउथ से एकदम नॉर्थ तक ले जाने के लिए बहुत सारे बीच में ऑब्स्टिकल आएंगे. सो उससे क्या होगा? उससे जो इंडस्ट्री का फंक्शनिंग होगा वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? उस पर इफेक्ट होगा. सो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, अब वही हिमाचल वाला जो साइट है, इंडस्ट्री है, वहाँ से अगर हम लोग महाराष्ट्र से लाते हैं कॉटन, तो क्या होगा कि डिस्टेंस कम होगा, कॉस्ट भी कम होगा, ऑब्स्टिकल्स भी कम होंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा कि एक कॉस्ट, मतलब जो साइट है, जो फैक्ट्री है, वहाँ से, मतलब वहाँ पे रॉ मटेरियल्स कहाँ से आप लाते हैं, ये सोचना और ये डिसाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन. अब क्या है कि ठीक है, सारा हमने साइट पर ले आया, रॉ मटेरियल्स बन गया, कॉटन आ गया, टी शर्ट बन गए, पैंट्स बन गए, कुर्तीज़ बन गए, ड्रेसेस सारे कुछ बन गए. अब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड गुड्स है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका कॉस्ट,
ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्ट बन गया हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में बन गया, अब कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस हिमाचल प्रदेश के आसपास कोई मेजर कोई बड़ा सिटी है या नहीं। अगर छोटे मोटे सिटीज़ रहते हैं तो क्या होगा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा अपर लेवल पे नहीं होगा, अच्छा ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे, राइट। सो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, अब हिमाचल से आपको अगर दिल्ली महाराष्ट्र ये सब बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पे आपको भेजने में उसका जो कॉस्ट है उसका भी कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। वेयर एज अगर आप ये जो साइट होता, ये जो इंडस्ट्री होता, वो अगर महाराष्ट्र में ही कहीं पे सेटअप होता तो सबसे पहला तो महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु यहाँ से आप लोगों को ये रॉ मटेरियल नहीं लाने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, वहीं से महाराष्ट्र से ही हमें मिल जाता है इसका रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या है, जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ईजिली हो जाता आस पास में, ठीक है, मार्केट्स में बहुत अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो क्या होता कि अगर हम लोग साइट को अच्छे से सोचते हैं, लोकेशन एक इंडस्ट्री का अच्छा सा सोचते हैं, तो हमारा जो बहुत सारा कॉस्ट है वो कॉस्ट कट हो जाएगा। नाउ डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, अब जो फैक्ट्री है और साइट है उस पे कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा हिमाचल से दूसरा जो साइट्स है फैक्ट्रीज़ जो है जहाँ पे भेजेंगे आप लोग जो प्रोडक्ट है वो कितना दूर है, ठीक है, उसका भी प्राइस लगेगा, उसका भी कॉस्ट लगेगा। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, अब जो प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मैन पावर लगेगा, राइट, मैन पावर लगेगा प्रोडक्शन के लिए। अब ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल्स लाने में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करने में और फैक्ट्री का सेटअप करना है ये सब करने में इतना ज़्यादा आपका इनकम चल जाए कि आप, और ऊपर से अगर मैन पावर है, जैसे कि प्रोडक्शन करने में अगर मैन पावर है लगा है तो उसे आप इतना सैलरी दे दो कि आपका फाइनल जो होता है प्रॉफिट या फिर जो रिटर्न्स आता है वो सब क्या हो, इससे कम हो, तो क्या होगा आपका, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से तो इट विल बी अ लॉस, राइट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि फिर ये जो बिजनेस है ये फ्लॉप हो जाएगा। सो आइडियल लोकेशन खोजना और ये सब जो कॉस्ट है ये सब को देखना एक इंडस्ट्री सेटअप करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस वाज आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री। नाउ मूविंग ऑन टू वॉट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, अब जब इंडस्ट्रीज आती है, ग्लोबलाइजेशन आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब बड़े बड़े टर्म्स आते हैं ना, उसके साथ आती है एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ये जो टर्म है वो भी उसके साथ आ जाता है, हैंड टू हैंड हाथ पकड़कर ये भी आ जाता है। तो वॉट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, सी आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज, अब हमें पता है कि जहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, अर्बनाइजेशन होता है, लोग वहाँ आके सेटअप होने लगते हैं, सिटीज़ बनने लगती है। फॉर एग्जांपल आप झारखंड की बात ले सकते हैं, जैसे ही टिस्को वहाँ पे बना, राइट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पे जैसे ही सेटअप हुआ वहाँ पे क्या हो गया, जमशेदपुर, फिर जादूगोड़ा माइंस, ये सब क्या हो गया, ये सब धीरे धीरे सेटअप होने लगे, वहाँ पे सिटीज़ बनने लगे, लोग रहने लगे। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अर्बनाइजेशन। सो सेम, सिर्फ झारखंड में ही या फिर सिर्फ जमशेदपुर और टिस्को को ही नहीं, लेकिन कहीं पे भी अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होने लगता है। Sometimes industries are located in or near the cities. Industrialization and urbanization go hand in hand. अब क्या है कि कहीं पे भी जो industries setup होती है वो अगर cities में हो या फिर थोड़े से rural areas में हो तो क्या है, doesn't matter. वहाँ पे धीरे धीरे क्या होते हैं, industrialization और urbanization होने लगती है, setup होने लगती है। नाउ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने लगेगा वैसे ही क्या होंगे, बैंक्स, स्कूल्स, मार्केट्स, ये सब बनने लगेंगी,
Right. Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry. अब जैसे जैसे मैंने example लिया Tesco का, ठीक है? Tesco जैसे ही बना वहाँ पे क्या हो गया, setup होने लगे cities, लोग रहने लगे. अब obviously लोग रहने लगेंगे तो वहाँ पे school, hospital, bank, insurance ये सब तो होने लगेगा. राइट तो ये सब क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने लगती है. जैसे एक इंडस्ट्री डेवलप होता है, बढ़ता है, तो वो क्या होता है कि ये सब जैसे इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग कंपनीज, ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्री को हेल्प करती है. क्यों हेल्प करती है? क्योंकि इंडस्ट्री के ही बदौलत वो भी सेटअप हुई है. राइट एक सिटी बना है तो जिसपे वो भी सेटअप हुई है. अब अगर इंडस्ट्री डूब जाता है तो पूरा सिटी ही बर्बाद हो जाएगा और वो सब भी चल जाएंगे. तो क्या होता है कि वो लोग हेल्प करने लगते हैं, वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगते हैं. मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. अब क्या होता है कि अब जैसे कि एक इंडस्ट्री के लिए ये सब सारे चीज़ सेटअप होने लगे, अब दूसरे इंडस्ट्रीज जैसे वो देखते हैं कि अरे वो इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या होता है कि वो एक साथ आने लगते हैं और बोलते हैं कि भैया हम भी आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपका प्रॉफिट होगा तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, और इन केस अगर आपका कहीं पे कोई भी इशू के वजह से लॉस होता है तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे. सो ये जो है भाईचारा, ब्रदरहुड जो फीलिंग है, या फिर जो ये जो प्रोसेस होता है कि दूसरे इंडस्ट्रीज भी एक इंडस्ट्री को जाके हेल्प करती है या फिर उसके साथ मर्ज अप होती है, दैट इज़ नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपका कोई फ्रेंड एक जगह पे है या फिर एक काम कर रहा है तो आप उसको जाके अगर सपोर्ट प्रोवाइड करो, हेल्प प्रोवाइड करो, दोनों मिलकर एक टीम बनाकर काम करो, दैट इज़ नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज इन इंडस्ट्रियल, या फिर ये वाला जो है वो टर्म होता है इन एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. आई होप आप लोगों को एग्लोमरेशन इकोनॉमीज अब समझ में आ गया होगा, अगर अब तक नहीं समझ में आया हुआ हो तो. एंड मूविंग ऑन टू उससे रिलेटेड एक जो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज जो है, मतलब इंडस्ट्री और मार्केट कैसे लिंक होती है, ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक चार्ट है. सबसे पहले क्या है, इनपुट रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो है आपका इनपुट हो गया. इनपुट सबसे पहले अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है, रॉ मटेरियल्स लगते हैं और कंपोनेंट पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले लैंड, देन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर. लैंड मतलब तो आपको पता है क्या होता है, लेबर, जो ह्यूमन लेबर होता है, जो ह्यूमन पावर, मैन पावर होता है, लेबर बोलते हैं. कैपिटल मतलब कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करना. एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट करना, बिल्डअप करना. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहाँ आप करेंगे उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, दैट इज़ नोन एज, ये सारे को मिलाकर इज़ नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक ये सब सारी चीज़ एक साथ आ गए. अब ट्रांसपोर्ट हुए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पे फैक्ट्री है ये सारी चीज़ को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री में. अब फैक्ट्री से लेकर आउटपुट होता है. अब आउटपुट फैक्ट्री में हो गया, प्रोसेसिंग हो गया फैक्ट्री में. अब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह सारा कुछ मिला के क्या हो गया, आउटपुट प्रोडक्ट, दैट इज फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये सब लेके ट्रांसपोर्ट होके फैक्ट्री में गए. फैक्ट्री में जो भी प्रोसेसिंग हो गया, सारा कुछ काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो काम करती है, उसके बाद हो गया प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स बन गए. अब फिनिश्ड गुड्स क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट होके मार्केट में गए. मार्केट में जाके जो सेल होते हैं, सारा सेलिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस होता है, The
डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करके हमें क्या मिलता है, अल्टीमेटली मनी मिलता है। और ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो है वो साइकिल होते रहता है। उसके बाद फिर मनी मिलता है, फिर मनी से क्या होता है, रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं, लोग मंगवाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सारा कुछ होता है, फिर सेम ट्रांसपोर्ट होके फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होके मार्केट जाते हैं एंड क्या है, दिस गोज ऑन। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने टाइप्स के इंडस्ट्रीज होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत इजीली जो टर्म्स है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज वगैरह ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो नो वरीज, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज रीच अप टू अस। एंड आई होप आज का वीडियो इंटरेस्टिंग था, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज़ बियॉन्ड टीचिंग्स। एंड थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।